नमस्कार, स्वागत है आप सबका कंचन टीवी पर। जैसे कि आप टाइटल में देख रहे हैं, सफीदों में अगर आप आ रहे हैं, आप अपना ट्रक लेकर, अपनी गाड़ी लेकर, अपनी कार लेकर, अपनी फैमिली के साथ अगर यहां से गुजरना चाहते हैं तो सावधान हो जाइए। आज सावधान हो जाइए। सफीदों में अगर आप आ रहे हैं तो खानसर चौक से आप गुजरेंगे। अगर आप खानसर चौक से गुजरना चाहते हैं, गोहाना जाना चाहते हैं, पानीपत जाना चाहते हैं, दिल्ली जाना चाहते हैं, तो खानसर चौक जाम होने वाला है कुछ ही देर में। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? ऐसा इसलिए कि हरियाणा में भारतीय किसान यूनियन ने और संगठनों ने, किसान जो दूसरे संगठन है, उन्होंने आज का 12 से 3 बजे का बंद बुलाया है। वो सड़कें, हाईवे, राजमार्ग सभी को जाम करने वाले हैं, चाहे वो नेशनल हाईवे हो, चाहे वो स्टेट हाईवे हो, चाहे वो लोकल हाईवे हो, वो सभी को जाम करने वाले हैं। उनकी मंशा क्या है, क्यों वो करना चाहते हैं, वो भी मैं बता दूं। किसानों को लेकर 3 अध्यादेश सरकार ला रही है, केंद्र सरकार ये ला रही है और बखेड़ा खड़ा हो रहा है हरियाणा में भी। उसकी वजह यह है कि किसानों को लगता है कि उनके हितों को दरकिनार किया जाएगा, उनके साथ कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी हो सकती है या उनको नुकसान हो सकता है, ऐसा उनका मानना है। और ऐसा वो नहीं मानते जो नेता हैं, जो उनके प्रधान हैं, वो ये सब उनको कह रहे हैं। क्या वो भी इत्तेफाक रखते हैं, ये बाद में हम बताएंगे जब किसान यहाँ पर जुड़ेंगे। अभी जो मुद्दा है वो हम बताते हैं। अभी के लिए मैं बता दूं कि सफीदों के खानसर चौक पर मैं खड़ा हूं और यहां पर पुलिस टीम है वो यहां पर पहुंच चुकी है। दिखाना चाहूंगा क्यों पहुंची है, क्योंकि अभी यहां पर जाम होने वाला है। जाम क्यों होगा? 12 से 3 बजे का टाइम भारतीय किसान यूनियन ने कहा है कि यहां पर जाम लगाएंगे, लेकिन जो यहां की लोकल इकाई है उनकी तरफ से कुछ खबरें निकल कर आ रही है कि वो 10:30 बजे यहां पर जाम करने वाले हैं। क्या स्थिति रहेगी? और यहाँ से जब आप गुजरेंगे तो बड़ा मुश्किल होगा यहाँ से पास करना, क्योंकि लंबी लंबी कतारें अक्सर लग जाती है। कभी भी कोई प्रदर्शन होता है, कोई धरना होता है, या किसी को कोई भी काम करना होता है, तो रोड को जाम किया जाता है और खानसर चौक को जाम किया जाता है। हर बार ये देखने में आया और लंबी लंबी कतारें। प्रशासन मुस्तैद है यहाँ पर, वो सुबह से उन्होंने तैयारी कर दी है। यहाँ पर पुलिस बल तैनात किया जाएगा। कितनी संख्या में पुलिस बल यहाँ पर रहने वाले हैं, कौन कौन यहाँ पर ड्यूटी देने वाले हैं, जैसे कि आप तस्वीर में देखते हैं, CTSHO भी हैं और डिप्टी साहब यहाँ पर हैं। उनसे हम बात करने वाले हैं कि किस तरह की उनकी तैयारियाँ हैं और क्या क्या अंदेशा जताया जा रहा है। डिप्टी साहब, बहुत बहुत स्वागत है कंचन टीवी पर आपका। क्या कंचन टीवी पर स्वागत है? हाँ बोलिए जी। जैसे भारतीय किसान यूनियन ने बंद बुलाया है, प्रदर्शन वो करने वाले हैं, रोड जाम करने वाले हैं, किस तरह की तैयारियां आप लोगों की है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, लोगों से हमारी बात होगी, कोई फिलहाल ऐसी स्थिति नहीं है और लोग अच्छे हैं, ऐसी बात नहीं। पुलिस की बात मानते हैं, पुलिस का और जो है जनता का आपस में सहयोग है, तालमेल है, कोई ऐसी बात हमारे सामने नहीं आएगी और ना ही है, वो नहीं देंगे हम। जनता से आपकी बात होगी, लेकिन किसान तो अड़े हुए हैं कि वो यहाँ पर 12 से 3 जाम करके ही रहेंगे। नहीं, किसान जाम नहीं करेंगे, जहाँ तक हमारा आइडिया है नहीं करेंगे। तो आपने उनसे बात की, वो जाम नहीं करेंगे, आपका यही कहना है? कोशिश ये नहीं करेंगे। लेकिन क्या इस बात से भी इनकार किया जा सकता है कि वो यहाँ पर इकट्ठे नहीं होंगे? कितनी संख्या में इकट्ठे होंगे, क्या आपके पास कुछ इनपुट है? ये नहीं कह सकते, इनकार नहीं किया जा सकता। इकट्ठे तो हो सकते हैं, लेकिन हमारे बीच में जो बातें हैं कि जाम नहीं करेंगे, साइड में बैठ के अपना वो जो है वो करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, शांतिपूर्वक प्रदर्शन करेंगे। जाम नहीं किया जाएगा? हाँ, फिलहाल तो ये बात है, जाम नहीं किया जाएगा, लेकिन इनकार भी नहीं किया जा सकता। कहीं ना कहीं डिप्टी रोहतास जी हैं, वो कहते हैं कि इनकार नहीं किया जा सकता कि वो जाम नहीं करेंगे, जाम हो सकता है, लेकिन अभी उनकी तैयारियां जो हैं उसी ही लिहाज से हैं जो आपके ने पुलिस बल बुलाया है, जो आपकी तैयारियां हैं, क्या वो हर परिस्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त है? हाँ, पुलिस बिल्कुल तैयार है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि कहा जा रहा है कि खबरों में भी आ रहा था कि आपको निर्देश दिए गए हैं, किसी पर लाठी चार्ज नहीं किया जाएगा, पुलिस बल का प्रयोग नहीं किया जाएगा, क्या ये सत्य है? नहीं, शांति में हमारा कोई दुश्मन नहीं है, हम शांति ढंग से लोगों को समझाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं आएगी सामने। वो कहते हैं कि उनका कोई भी किसी भी तरह का उनसे कोई दुश्मनी नहीं है और शांतिपूर्वक ढंग से समझाएंगे, लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा कि फिर भी हम एहतियात के तौर पर आपको अपडेट देते रहेंगे, क्योंकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। पीपली कांड के बाद किसान भी उग्र है और पुलिस महकमा भी मुस्तैद है, क्योंकि कुछ भी अप्रिय घटना, और कई बार होता क्या है डिप्टी साहब, आपने भी देखा होगा, कई बार क्या होता है कि किसान जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो तो कुछ ना करे, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व उनके बीच मिल जाते हैं, उनकी तरफ से कुछ गड़बड़ी की जाती है, क्या ये हो सकता है? नहीं, अगर असामाजिक तत्व तो गड़बड़ी करें तो हम तैयार हैं, बिल्कुल गड़बड़ी नहीं होने देंगे, हम पूरी तैयारी है, गड़बड़ी क्यों होने देंगे?
ठीक है, अपना प्रदर्शन करें, आराम से बैठक कीजिए, लेकिन ऐसी गड़बड़ी हम नहीं होने देंगे। सीधा सा कहना है कि वो शांतिपूर्वक तो कर सकते हैं, लेकिन अब वो अगर ज्यादा हिंसक करेंगे या अपना जाम लगाने की कोशिश करेंगे तब आप बल प्रयोग भी कर सकते हैं। नहीं, बल प्रयोग क्यों करेंगे, हम उनको प्यार से समझाएंगे, भाई ऐसा नहीं करना, लोग हमारी मान जाएंगे, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद कंचन टीवी से बात करने। यहाँ पर देखिएगा रोहतास डिप्टी हैं, वो कहते हैं कि बल प्रयोग नहीं करेंगे, लोग मान जाएंगे, लेकिन ये आप बने रहिएगा कंचन टीवी के साथ, हम आपको पूरा अपडेट यहाँ पर देते रहेंगे और बताते रहेंगे आपको कि किस तरह की यहाँ पर रहने वाला है, क्या यहाँ पर जाम लगेगा, प्रदर्शन शांतिपूर्वक रहेगा या नहीं रहेगा, ये तो अभी कह नहीं सकते। लेकिन जैसा इतिहास रहा है, पिपली भी हमने देखा था, आप सबने भी देखा था, पूरे हरियाणा को जाम कर दिया गया था, तो इस स्थिति से इनकार नहीं किया जा सकता। और इनकार कर भी कैसे सकते हैं, किसान 3 अध्यादेश जो लाए हैं उनके खिलाफ उबाल है, उनमें गुस्सा है, तो कहीं ना कहीं वो बाहर निकल भी सकता है और उसका खामियाजा आम पब्लिक को भुगतना पड़ सकता है। जो संडे का दिन है, जो उस दिन बाहर निकले हैं, जो किसी काम से बाहर जा रहे हैं, तो उनको हो सकता है कि जाम का सामना करना पड़ सके, परेशानी का सबब बन सकता है। तो हम आपको अलर्ट कर रहे हैं, अगर आप सफीदों में आ रहे हैं या आपका अपना कोई परिचित सफीदों में आना चाहता है, तो उसको समझाइएगा कि जाम की स्थिति बन सकती है, हो सके तो आज अवॉइड कीजिएगा, बाहर निकलना अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि दिक्कतें पेश आ सकती है। तो यही मैं कहूँगा, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और बताइएगा कि कैसी स्थिति है। और सफीदों का हमने आपको बताया सबसे व्यस्त चौक है, हर धरना प्रदर्शन यहीं पर किया जाता है। अब हमारे साथ जो नायब है रामपाल, वो भी हैं साहब, स्वागत है आपका कंचन टीवी पर। नमस्कार जी। तो आपके ड्यूटी मजिस्ट्रेट बनाए गए? जी सर। जी जी रामपाल जी, जहाँ पर भी कोई प्रदर्शन सफीदों में होता है, कोई परेशानी आती है, तो नायब रामपाल जी सबसे आगे खड़े होते हैं ड्यूटी मजिस्ट्रेट के तौर पर। आज क्या रहने वाला है सर? आज जैसे कि किसानों ने अपना आंदोलन करने को कहा है, लेकिन मैं आपको और सफीदों की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सफीदों उपमंडल के अंदर अगर कोई भी किसान प्रदर्शन करता है तो शांतिपूर्ण तरीके से ही प्रदर्शन करेगा। कोई भी रोड जाम करने की या ऐसी कोई अभी हमारे ज्ञान संज्ञान के अंदर नहीं, अभी कोई रोड भी जाम होगा। प्रशासन डिप्टी साहब हैं, SHO साहब हैं, बतौर ड्यूटी मजिस्ट्रेट मैं हूँ, अभी हम यहाँ खानेसर चौक के ऊपर खड़े हैं अपनी ड्यूटी पर, ऐसी कोई भी बात सुनने को नहीं मिली है। कल भी हमने 8-10-15 गांव का दौरा किया SDM साहब ने किसानों को समझाने के लिए, तो ऐसी कोई भी। तो रामपाल जी क्या कहना था उनका, जब आप उनसे मिले हैं, आप तो तकरीबन हर गांव में गए हैं, तो किसानों का क्या कहना था इस बारे में? किसानों का यही कहना था कि सफीदों तहसील के जो उपमंडल है उसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं है, अगर कोई प्रदर्शन किया तो बिल्कुल शांतिपूर्ण को ज्ञापन देने के लिए और कैसा होगा, रोड जाम करने की कोई भी बात है किसान नेताओं ने भी नहीं स्वीकार। सफीदों के कितने पॉइंट है, जैसे खानसर चौक है, और कितने पॉइंट या चौक है जो संवेदनशील है, जहां पर नाके लगाए गए हैं आज? नाके लगाए गए हैं, खानेसर चौक पर नाका लगाया गया है, करसिंधु के पास नाका लगाया गया है, इधर जींद बाईपास के ऊपर नाका लगाया गया है, पिल्लूखेड़ा के जो जामणी चौक है उस पर नाका लगाया हुआ है, बंदेवा के ऊपर भी नाका लगाया हुआ है, और प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है, ऐसी अप्रिया घटना घटने की कोई भी उम्मीद नहीं है। जैसे आपको मजिस्ट्रेट बनाया गया है, तो क्या आपको क्या अंदेशा लगता है कि किसी तरह का अप्रिय घटना घट सकती है या प्रदर्शन उग्र हो सकता है? नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। सभी किसान नेताओं को, सभी सफीदों की जनता को, किसानों को बाकायदा गाँव के अंदर जाके समझाया गया है, भाई अगर कोई आंदोलन करना है तो आप शांतिपूर्वक तरीके से अपना विचार रखें, रोड वगैरह जाम ना करें। तो लोगों ने इस बात से इनकार किया भी हम रोड जाम नहीं करेंगे, ये उम्मीद। तो क्या आपको, अगर मैं व्यक्तिगत तौर पे आपसे बात करूं, आप इन स्थिति से तकरीबन गुजरते रहते हैं, 2-4 आपको होना पड़ता है, क्या आपको लगता है कि शांतिपूर्ण रह पाएगा, क्योंकि इस तरह के प्रदर्शन अक्सर उग्र हो जाते हैं? मेरी पूरी उम्मीद है सफीदों की जनता के साथ, और हमने 2-3 दिन से ये अभियान भी चलाया है हर गांव के अंदर जाके, पूरी उम्मीद है कि आज का दिन किसानों का दोबारा अगर कोई उग्र भीड़ ना हो और ना ही वे करने वाले हैं, ये मेरी जानकारी में है, बिल्कुल शांतिपूर्वक ही रहेगा। अगर भीड़ उग्र होती है, वो प्रदर्शन हिंसक होता है, तो क्या उसके लिए मुस्तैद है आपकी टीम? बिल्कुल पूरी तरह से तैयार है, लेकिन ऐसी कोई संभावना ही नहीं है कि भीड़ हो।
जबकि ऊपर से हिदायत दी गई है कि बल प्रयोग नहीं करना है पुलिस को, क्योंकि पीपली कांड के बाद सरकार भी कहीं ना कहीं दबाव में है, तो उस स्थिति में क्या आपको लगता है कि आप उनको कंट्रोल कर पाएंगे? सबसे पहले मैं किसान का बेटा हूं, किसान का बेटा होने के नाते मैं किसानों की दुख तकलीफ को पूरी तरह समझता हूँ। उनको भली भांति से पहले ही बता दिया गया, समझा दिया गया कि जो सरकार के द्वारा जो ये बिल लाए गए हैं ये किसान हितैषी हैं, इसके अंदर किसानों की कोई भी जो डिमांड है वो नजायज नहीं है। सरकार ने ये कहा है कि बढ़िया तरह जो फसल जहाँ भी आप बेच सकते हो, जहाँ पर आपको बढ़िया भाव देता हो वहाँ बेचे, अपनी मर्जी से बेचे, तो किसानों को समझ में आ गया ये। बहुत बहुत धन्यवाद कंचन टीवी से बात करने के लिए। थैंक यू। तो आपने देखा कि जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट है रामपाल नायब, तहसीलदार हैं, वो कहते हैं कि अंडर कंट्रोल स्थिति है, किसान के वो बेटे हैं, किसानों से उन्होंने बात की और उनको लगता है कि शांतिपूर्वक प्रदर्शन रहने वाला है, लेकिन तैयारियों को देखकर नहीं लगता। तैयारियां आप देख सकते हैं, मुस्तैदी के साथ डिप्टी भी है यहाँ पर, थानेदार भी है और पूरा पुलिस अमला यहाँ पर है। जैसे कि कहा जा रहा था 12 बजे से 3 बजे का ये कार्यक्रम रहना है, लेकिन अभी से ही कार्रवाई शुरू हो गई है और आप देख सकते हैं ड्यूटियां बांटी जा रही हैं यहाँ पर, सबको समझाया जा रहा है और मुस्तैदी दिखाई जा रही है। किसी भी तरह की ढील के मूड में प्रशासन नहीं है, क्योंकि सरकार के गले की फांस ये मामला बन सकता है, बड़ी दिक्कतें आ सकती है। पर आप जुड़े रहिएगा कंचन टीवी के साथ, पल पल की अपडेट हम आपको देते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे कैसा प्रदर्शन यहाँ रहने वाला है। तब तक के लिए इस वीडियो को आप शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आप शेयर करेंगे तो औरों को भी पता चलेगा और हमारा हौसला बढ़ेगा। कैमरामैन सहयोगी प्रदीप हरियाणवी के साथ यशपाल कंचन।